तो एक और सुहाना दिन और एक और नया ब्लॉग। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा है कि मेरा भाई अपने गैंग को लेके यहाँ पे लूडो खेल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बड़े अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स के लूडो का बोर्ड यहाँ पे सजाया हुआ है। तो चार जन यहाँ पे प्लेयर जो लूडो खेल रहे हैं और ये एक यहाँ पे ऑडियंस में बैठा हुआ है। तो नाम की आकाश हो? इसका भी नाम आकाश है? हमारा नाम आकाश, मेरे को पता ही नहीं था इसका नाम आकाश है। लड़ाई झगड़ा नहीं, चुपचाप खेलो। तो इन लोगों को मैं यहाँ पे शांति से खेलने देता हूँ और देखता हूँ कि आज क्या किया जा सकता है। आज तो शायद मुझे जिम जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हो सकता है कि आज और क्या क्या किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा एक चीज़ है, ठीक है, तुम लोग ईमानदारी से खेलो, कोई चीटिंग मत करना, और जो जीतेगा उसको मेरे साथ एक गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है? झूठ बोल रहा है। पर जो हारेगा उसको क्या, वो क्या पनिशमेंट करेगा बोलो? जो हारेगा पर उसको एक पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? जो हारेगा उसे कितना? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसे 11 पुशअप करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं। और जो जीतेगा उसे गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? पैसा ही पैसा होगा। मैं ये लोग के लिए एक बार बंगाली में बोल देता हूँ, जे जीत बे वो एक गिफ्ट पावे, और जे हार बे ओके 11 पुशअप करते लगभग, ठीक है? ठीक है बोलो, ठीक है? Moments later. गेम अभी आधा कंप्लीट हो गया है और ये बेचारा ग्रीन वाला का अभी तक निकला ही नहीं है। बोला था निकला था, फिर से ये लोग ने खा लिया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत। ओए लाइट ऑन करो तुम लोग। ओए शांति 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 शांति, ओए शांति 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 शांति। अभी हमारी पार्टी हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ भाई, सुन अभी मैं निकल रहा हूँ। मेरे को एकदम ईमानदारी के साथ बोल देना कौन जीता, मैं शाम को तुम लोग के लिए प्राइज ला दूंगा, और जो हारेगा उसे 11 पुशअप्स करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, डन। सब लोग यहाँ पे ऐसे करो, डन डन। One eternity later. अभी जैसे कि 9:30 बज गया है, तो ऐसे यूजुअली जिम बंद हो जाता है, पर जस्ट बिकॉज अभी रोहन है यहाँ पे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, तो हम लोग अभी 10 बजे तक घर जाएंगे। तो मुझे जिम में एक्सरसाइज से ज़्यादा और एक बात अच्छी लगती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोग 4 जन हैं, तो 4 जन का फील्ड एकदम अलग है। तभी भी हम लोग यहाँ पे एक साथ लगता ही नहीं है कि हम लोग सब लोग अलग अलग एज के। जैसे कि आप इस ब्लू टी शर्ट में देख सकते हो, ये स्कूल में, ये मेरा दोस्त रोहन भैया भी सजेशन में मैच पर आ रहे हैं, और ये भैया शेफ है। तो जिम में ऐसा होता है कि मतलब भले ही हम लोग अलग अलग फील्ड में हैं, पर जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं। सो अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज, दिस इज समथिंग गुड अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड बीइंग इन अ पब्लिक जिम स्पेशली। ओह माय गॉड, वाओ। सो बैक टू माई रूम, और ये था मेरा आज का व्लॉग। तो असल में क्या हुआ था कि मैं ये लोग को, मतलब मेरे भाई को और उसका जो ये छोटा सा गैंग है, उसको लूडो के बोर्ड में बिठा के गया। आई वॉज कम्प्लीटली होपिंग दैट वो लोग वो पूरा जो गेम है वो कम्प्लीट करेंगे और एक विनर निकलेगा, मैं उसे एक बढ़िया सा गिफ्ट हैंड कर दूंगा, ठीक है? वाह मोदी जी, वाह वाह। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देख ही लिया होगा, ये लोग तभी झगड़ना शुरू कर दिए थे। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। मैं जैसे ही घर से निकला, उसके बाद मैं करीब 1 घंटा बाद घर आया। 1 घंटा बाद घर आके देखता है कि भाई गायब है। भाई क्या था, पास का एक बर्थडे पार्टी में, तो उसका गैंग का एक मेंबर घर पे प्रेजेंट था, वो टीवी देखता था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तू लोग का गेम का, तो वो मेरे को बोलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं, ये लोग झगड़ा वगैरह किया, झगड़ा वगैरह करके थोड़ा हल्ला चिल्ला करके चला गया। तो मतलब आज का जो ये कंटेंट था, इन्होंने वट लगा दी। ये लोगों को मैं क्या ही दोष दूंगा, बच्चे हैं तो ये लोग अब एक जगह टिकते नहीं है। तो गलती एक्चुअली मेरा ही है, मुझे वहाँ पर रहकर ये लोग को अच्छे से सुपरवाइज करना चाहिए था, तब वो गेम जो है वो कम्प्लीट हो पाता। खैर कहीं
कोई नहीं। उसके बाद से मैं जिम गया। जिम में आज हम लोगों ने एक्सरसाइज भी किया, एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी की। अभी तो जिम तो हम लोगों ने करीब वही 10-15 तक, रोहन ने और मैंने मिलकर जिम को 10-15 तक बंद कर दिया। तो खाने में मम्मी ने आज दाल पिट्ठी बनाई थी। अभी बिहारी व्यूअर्स हैं मेरे, उन लोगों को पता होगा कि दाल भी मेरे बिहारी व्यूअर्स है उन लोगों को पता होगा दाल पिट्ठी क्या होती है। मैं नेक्स्ट टाइम एक दिन ना घर पे जब मम्मी दाल पिट्ठी बनाएगी तो उसको मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा। एक बिहारी डिश बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी हेल्दी है, आटा और कम्प्लीट दाल से बनती है। वो खाया और जो मेरा बेसिक प्रोटीन का सोर्स है वो मैंने लिया। तो अभी मैं मेरे रूम में हूँ, अभी मैं एडिटिंग करूँगा, सो जाऊँगा। फिलहाल तो अभी मुझे इंतज़ार है मेरे इक्विपमेंट्स का, जल्द से जल्द वो ट्राईपॉड और लाइट्स आ जाए ताकि मैं ये हफ्ते के अंदर अंदर ही जो कमिंग वीक है वो हफ्ते के अंदर अंदर ही जो पूरा कंप्लीट सेटअप है कंप्लीट करूँ और थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनली वीडियो को बनाना शुरू करूँ। एक स्कीम है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।